दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। यह एक ऐसी सच्ची घटना से रिलेटेड है जिसे आप शायद मानने से इंकार कर देंगे। क्या कोई सैनिक मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी कर सकता है? क्या किसी मृत सैनिक की आत्मा अपना कर्तव्य निभाते हुए देश की सीमा पर रक्षा कर सकती है? आप सबको यह सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा कि यह सब कैसे हो सकता है, मगर यह सच है। यह कहानी एक ऐसे जवान की है जिसका जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के एक शहर में हुआ था जो अब पाकिस्तान में, जो 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ, जिसे 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में भेजा गया। मगर 4 अक्टूबर 1968 में सिक्किम के नाथुला पास में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जब वह 3 दिनों तक लापता रहे तो उनके अफसरों ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया। फिर वो अपने एक दोस्त के सपने में आए और उनको अपने शव का ठिकाना बताया। सर्च पार्टी को उनकी बॉडी ठीक उसी जगह मिली। इस घटना के बाद से सैनिकों में उनकी आस्था बन गई। दोस्तों वो सैनिक कोई और नहीं बल्कि शहीद हरभजन सिंह है। हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के वो सिपाही हैं जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इंडो चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा देती रहती है। हिंदुस्तानी सिपाहियों के सपने में आकर हरभजन सिंह दुश्मनों के कई प्लान्स बताते हैं, और रात में पहरा देने वाले सिपाही अगर पलक झपकते तो उनको एक जोर का चांटा महसूस होता, मानो किसी अफसर ने उन्हें चांटे से जगाया हो। देश ने 26 जनवरी 1969 को हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। आर्मी उनका वेतन हर महीने उनके माता पिता को भेजती है। उनके लिए आर्मी ने एक मंदिर भी बनवाया। हरभजन सिंह जो सिपाही रैंक में रहते हुए शहीद हुए, आर्मी उन्हें प्रमोट किए जा रही थी। हरभजन सिंह की लीव हर साल सेक्शन होती है। हर साल 2 फौजी उनका सामान उनके गाँव कपूरथला ले जाते। उस दौरान उनका कैंप हाई अलर्ट पर रहता। कुछ साल बॉर्डर पर भारी तनाव के समय उनकी लीव कैंसिल भी की गई। नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच मीटिंग होती तो चीनी बाबा हरभजन के लिए एक अलग से कुर्सी भी लगाते हैं। उनकी मौत को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।